मैजिकल जॉइंट मड काओ हाउस। हर दिन की तरह सुंदरवन के जंगल में एक साधारण सा दिन था। वहीं जंगल के रास्ते से एक आदमी गांव जा रहा था। अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी, मुझे जल्दी से गांव पहुंचना होगा। सुना था ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और रात के समय यहां इस जंगल में खूनखार भेड़िया घूमते हैं। वो आदमी ऐसे गांव की तरफ जाने लगता है। वो चलते हुए जा रहा था कि उसका पांव एक पत्थर पर लगा और वो सामने बने एक गड्ढे में गिर गया। वैसे वो आदमी उस गड्ढे के अंदर गिरता है तो उसे सामने एक मूर्ति दिखाई देती है और उस मूर्ति के हाथ में एक पत्थर था जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर वो आदमी बहुत आश्चर्य हो जाता है। मुझे तो ये एकदम जादू जैसा लग रहा है, इस मूर्ति के पास जाकर इसे उठाकर देखता हूँ, आखिर ये क्या है। वैसे वो आदमी उस मूर्ति की तरफ बढ़ता है। वो वहाँ मूर्ति के पास पहुंचकर उस पत्थर को उठाने लगता है। जैसे ही वो उस पत्थर को हाथ लगाता है, बस वहीं उस पत्थर के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस आदमी के अंदर चली जाती है और वहीं वो आदमी एक इंसान से एक बहुत ही खतरनाक असुर में बदल जाता है। इतने समय बाद उस शराब से मुक्त होकर बहुत मजा आ रहा है। अब मैं दोबारा उस जादुई दुनिया में जाकर तबाही मचाऊंगा और उन सब मायावी जीवों की शक्तियां छीन लूंगा और बाद में उन सबको नष्ट कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो असुर वहां से उड़ जाता है और वो असुर उस जादुई दुनिया के पास पहुंच जाता है। लेकिन उस जादुई दुनिया के ऊपर एक सुरक्षा कवच था। ये जादुई जीव तो बहुत चालाक हैं। इन्होंने अपनी दुनिया को कवच से सुरक्षित किया हुआ है। इस कवच को तोड़ने के लिए मुझे जादुई मट्टी से वो तलवार बनानी होगी जिससे मैं इस कवच को तोड़ सकूं और वो मट्टी मुझे सिर्फ उस जादुई मट्टी से बने हुए गाय के घर में मिलेगी। ये बोलकर वो असुर उस गाय के घर को ढूंढने के लिए निकल गया। वहाँ सुंदरवन के जंगल में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। उसने वहीं जंगल में अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ था। टिंकू को जंगल के जानवरों से बहुत लगाव था और उसने एक गाय का बच्चा भी पाला हुआ था। ऐसे एक दिन रात के समय टिंकू की गाय बहुत तेज चमकने लगती है और एक मिट्टी से बनी हुई गाय में बदल जाती है और जंगल में कहीं जाने लगती है। ये सब टिंकू भी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। मेरी गाय को क्या हो गया है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। इसका पीछा करके देखता हूँ ये कहाँ जा रही है। टिंकू अपनी गाय का पीछा करने लगता है। ऐसे बहुत देर चलने के बाद वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुँचता है और देखता है कि उसकी गाय वो बड़े पेड़ के अंदर चली जाती है। टिंकू भी भागकर उस बड़े पेड़ के अंदर चला जाता है। टिंकू पेड़ के अंदर पहुंचकर देखता है कि वो एक बहुत ही अलग दुनिया में पहुंच गया है। उस दुनिया में एक बहुत बड़ा मिट्टी से बना गाय का घर था और बहुत सारी गायें भी उसके आसपास जमा थीं। ये मैं कहां पहुंच गया? ये सब गायें इस बड़े गाय के घर के पास जमा खड़ी हैं। लगता है इसके अंदर कुछ बहुत खास होगा। इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा आखिर है क्या इसके अंदर। टिंकू उस गाय के घर की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उसके अंदर पहुंचता है तो वहीं उसे सामने एक मिट्टी से बनी एक गाय प्रकट होती है। तुम्हें हमारी एक कसूर से छुपने में मदद करनी होगी। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो वो हमारी जादुई मिट्टी बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने में इस्तेमाल करेगा और वो उस हथियार से तबाही मचाएगा। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे सारा प्लान बताओ। उस असुर को कैसे यहाँ आने से रोकना है? वो गाय टिंकू को सारा प्लान बताती है और एक तलवार प्रकट करती है जो उस जादुई मिट्टी से बनी होती है और उस टिंकू को देती है। ये जादुई तलवार ले जाओ और जैसे ही वो असुर हमारी दुनिया में आने के लिए उस पेड़ के पास पहुँचे तो तुम उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देना। टिंकू एक पेड़ के पीछे छुप के बाहर उस असुर का इंतजार कर रहा था तो वहीं वो असुर उड़ते हुए वहां पहुंच जाता है और उस जादुई दुनिया में जाने के लिए उस पेड़ की तरफ जाने लगता है। वहीं टिंकू मौका देखकर उस असुर पर हमला कर देता है और उसे नष्ट कर देता है।
जायंट गोल्डन फिश आइलैंड सीक्रेट ट्रेजर। ये कहानी शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले धरती पर एक रहस्यमय जादुई टापू से। उस टापू पर हर जगह जादू था और जादुई जानवर भी उस टापू पर रहते थे। एक दिन राजा के कुछ सैनिक समंदर में गलती से रास्ता भटक कर उस जादुई टापू तक पहुंच गए। हम इतने दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब तो हमारे जहाज पर सारा खाना खत्म हो गया है। चलो सामने इस टापू पर चलते हैं, क्या पता यहाँ इस टापू पर हमें खाने को कुछ मिल जाए। मुझे तो टापू बहुत खतरनाक भूतिया टापू लग रहा है। मैंने सुना था ऐसे टापू पर भूत रहते हैं। अगर तुम लोगों को इस टापू पर जाना है तो जाओ, मैं यहीं अपने जहाज पर रुकूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम तो उस टापू पर जा रहे हैं। वो सैनिक उस टापू पर पहुंच जाते हैं, उस टापू पर इधर उधर देखने लगते हैं। वैसे वहीं एक सैनिक को टापू पर एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के पानी का रंग एकदम सोने जैसा था और वहीं उस तालाब के पास एक सोने का फूल भी लगा हुआ था। ये देखकर वो सैनिक बहुत खुश हो गया। वो सामने उस तालाब को देखो, उसका पानी एकदम सोने के रंग का है और उसके पास में वो एक सोने का फूल भी लगा हुआ है। मुझे तो ये एकदम जादू जैसा लग रहा है, चलो इसके पास जाकर देखते हैं ये क्या है। वो सैनिक उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और एक सैनिक उस सोने के फूल को तोड़ने लगता है। सैनिक के वो सोने का फूल तोड़ते ही उस तालाब से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस निकलता है। तुम लोगों ने उस सोने के फूल को तोड़कर मुझे उस समंदरी दुनिया की रानी के शराब से आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर वो राक्षस उस सैनिक की आत्मा अपने अंदर खींच लेता है। बहुत मजा आ गया, अब मैं और भी ऐसे इंसानों की आत्मा छीनूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। जल्दी से इस टापू से निकलता हूँ और इंसानों को पकड़ने के लिए एक जाल बनाता हूँ। वो राक्षस उस टापू के बाहर पहुँच जाता है तो उसे उन सैनिकों का जहाज नजर आता है। वो राक्षस कुछ सोचता है और अपनी शक्ति से उस समुद्री जहाज को एक बहुत बड़ी विशाल सोने की मछली में बदल देता है और उस सोने की मछली के ऊपर एक टापू बना देता है। वहीं उस पर बहुत सारा खजाना भी बनाता है। उन इंसानों को पकड़ने का जाल तो तैयार हो गया है, अब जल्दी से इसे उन इंसानों को पकड़ने के लिए भेजता हूँ। जो भी इंसान इस टापू पर खजाना लेने आएगा मुझे उसका पता चल जाएगा और मैं तुरंत जाके उसकी आत्मा छीन लूंगा। वैसे वो राक्षस उस फिश आइलैंड को समंदर में आगे भेज देता है। वहीं समुद्री दुनिया की रानी को भी उस राक्षस के आजाद होने का पता चल जाता है और वहीं वो उस राक्षस को कैद करने के लिए पहुंच जाती है। मुझे पता था तुम एक न एक दिन मेरे शराब से आजाद हो जाओगे, इसलिए मैंने पहले से तुम्हें कैद करने की तैयारी की हुई है। ये बोलकर वो रानी बोतल का ढक्कन खोलती है और वो राक्षस खुद ब खुद उसके अंदर कैद हो जाता है। ऐसे बहुत समय गुजर गया। आज के दिन सुंदरपुर गांव में पिंटू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसने वही गांव में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ था, वो वहीं रहा करता था। ऐसे एक दिन पिंटू समंदर के पास खड़े होकर कुछ सोच रहा था। पानी में बहकर आए पुराने सामान को बेचकर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, अब मुझे कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा। पिंटू एक आइडिया सोचता है। वो अपने घर में बहुत सारी खाली प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आता है और उनसे एक नाव बनाने लगता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वो एक बहुत ही कमाल नाव बना लेता है। अब इस नाव में मैं समंदर में दूर दूर जाऊंगा और बहुत सी मछलियां पकड़ूंगा और उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। पिंटू अपनी उस नाव को समंदर में ले जाता है और मछलियां पकड़ने लगता है। उसकी नाव का बहुत हल्का होने के कारण वो समंदर की लहरों से समंदर में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। अरे मैं तो अपने गांव से बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ और अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी, मुझे तुरंत गांव की तरफ वापस जाना होगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहीं सामने उसे एक छोटा सा टापू दिखाई देता है।
उस टापू पर बहुत सारा सोना भी था। पिंटू तुरंत अपनी नाव को उस टापू की तरफ ले जाता है। पिंटू उस टापू पर पहुंच के उस सारे सोने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी तो लाइफ बन गई, अब तो मैं बहुत धनवान हो गया हूँ। बस उस दिन से पिंटू बहुत धनवान हो गया। उसने सोने को बेचकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर घर बनवाया और बहुत सारे महंगी महंगी कारें भी खरीदी और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा।